आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक कोबलस्टोन और एक ट्री फार्म बना सकते हो। और जो ट्री फार्म होगा सो मैनुअल होगा, इसलिए आपको खुद से वो तोड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से ये 3 स्टेप कर दो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने जुड़ो दोस्त लोग को जिसको ये फार्म बनाना होगा। तो ये फार्म बनाना बहुत सिंपल है। फर्स्ट हम लोग ट्री वाला फार्म बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ कॉबल स्टोन, डर्ट्स और 2 वाटर बकेट जिससे हम लोग इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो पहले आपको 1 ब्लॉक रखना है, फिर उसके तरफ से 8 ब्लॉक आगे जाना है, मतलब 8 ब्लॉक आगे जाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से एक और लाइन खींचना है, पूरा आपका 10 ब्लॉक तक का होना चाहिए। फिर आपको इसके बाद डट जाना है, फिर आपको इसके बाद उसका वही लाइन पूरा खींच देना है। 8x10 का आपको एक लाइन बनाना है। यहाँ पे वीडियो में आप लोगों को ये 8x11 का देखेगा, पर मैंने उसको आगे वीडियो में सही कर दिया है। तो बस आपका ये हो गया। तो आपको जो 8x10 का होगा ना, उसका आखिरी ब्लॉक में, क्योंकि जो हमारा वाटर फ्लो करता है वो 9 ब्लॉक में फ्लो करता है, इसीलिए हम लोग जो 10th ब्लॉक होगा ना उसको डिग कर लेंगे। मेरे पास शोवेल नहीं है तो मैं इसलिए इसको पहले एक शोवेल बना शोवेल ले लिया था, फिर उसके बाद उसको निकाल लिया डर्ट को। फिर इसके बाद गिन लेना आपको कि आपका जो 4 ब्लॉक था ना, मतलब 8 ब्लॉक था, उसका 4 ब्लॉक उसका जो 4 ब्लॉक है ना उसपे आपको 2 होल करना है, जिसपे आप हॉपर भाई रात पहले तुम हो जाओ। तो भाई बोल रहा था देखो 1 2 3 और फिर इसके बाद इसमें गड्ढा करना है। फिर एक और यहाँ पे एक बार गिन लो वापिस, 1 2 1 2 3 4 एक मिनट का गलती हो रहा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और ब्लॉक लगाना है, एक मिनट रुको, तो डर्ट निकाल ले दो, डर्ट लगाना है 1 2 3 और फिर चौथा खानना है। और उधर से भी एक और जो 3 के बाद चौथा ब्लॉक को ना आपको वो निकाल लेना है, डर्ट निकाल लेना है, जिससे आपका सेम टू सेम रहेगा। एक बार फिर से आप गिन लेना कि आप लोग से कोई दिक्कत ना हो। तो मैं भी पहले ही बार बना रहा था, इसलिए मैं भी इसको 2 से 3 बार मैं चेक कर ले रहा था। फिर इसके बाद रात हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सो जाऊं, क्योंकि मॉब स्पॉन होंगे ना तो रात में फिर काम नहीं करने देंगे, इसलिए मैं सो गया। फिर एकदम मॉर्निंग में फिर मैं निकल गया अपना वापिस काम करने, निकल सॉरी मोटिव नहीं था मारने का, बस वो ऐसे वीडियो में मैंने दिखा दिया। फिर आपको इसके बाद ये जो एक मिनट यहाँ इसको डिजाइन के लिए डेट्रॉइड लगा देते हैं, डेट्रॉइड ही बोलते हैं ना, हाँ छोड़ दो। तो फिर इसके बाद यहाँ गिन लेना है, तो इसके बाद ये जितना भी दिखा हंड्रेड आपको वो सारा निकाल देना है। वो जो 1 ब्लॉक डिक किया था ना वो आपको 2 ब्लॉक कर देना है, देख लो यह है। फिर इसके बाद आपको ये जो ब्लॉक है ना इसपे थोड़ा सा ये देखो ये डिग कर रहे ना, ये आपको पूरा फुल डिग करना है, पूरा फुल, जिससे आपका वाटर नीचे जाएगा वो पूरा फुल डिग करना है। तो ये मैंने बताया था, यहाँ पे एक और आपको होल डिग कर, मतलब उसको 2 का होल डिग करना है। इसके बाद एक मिनट तो फिर दिखेगा, फिर इसके बाद आपको यहाँ से निकल जाना है। एक और इसको ऐसे खाना ही है, खाना क्या इसको शॉवल से डिग करना है, तो वही डिग करना है। फिर इसके बाद आपको ये पूरा जो डर्ट है ना वो आपको पूरा डर्ट हटा देना है। और हाँ अपने दोस्त लोग सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल देना, शेयर तुम लोग वो देख लेगा वीडियो, पर उन लोग सब्सक्राइब भी करने, हाँ तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब ओके। तो फिर ये जो आप लोग ने डर्ट हटाया है ना, फिर आप लोग क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा ना आप लोग चौथा ब्लॉक पे, तो वही इधर से भी 3 उधर से भी 3 इनके आपको 2 ब्लॉक लगाते जाना है मिड तक। आप लोग 4 अंदर जाओ, मैं तो यही 2 से 3 अंदर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो जंगल मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं स्प्रूस का ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे मैंने ये 3 से 4 ब्लॉक में अंदर गया। फिर इसके बाद जो आगे का ब्लॉक था ना उसमें डिग कर दो, क्योंकि हम लोग को वो चाहिए नहीं, बस हम लोग के 4 ब्लॉक चाहिए जिससे हम लोग अपना सैपलिंग लगा सकते। ये डर्ट निकालने के बाद यहाँ पे एक लैडर भी लगा देना, जिससे आप लोग को आने जाने में आसानी हो। तो यहाँ से डर्ट लेके इसको निकालते हैं और फिर आपको जितना भी है ना वाटर, आपको सारा वाटर 2 बकेट लेना है और बीच वाला एक मतलब 30 लाइन पे लगा देना है पानी। अब इसके बाद आपको आपका पानी ही और आगे लगा देना है, जिससे आपका पूरा भर सको। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो गड्ढा कराया था ना मैंने, उसमें भी आपको पानी भर देना, और तुम लोग इससे ज्यादा इजी कहीं देखोगे भी नहीं। तो आप ये
बस मैंने गलती कर दिया था यहाँ पे, तो उसको बस एक बार थोड़ा सा ये यहाँ पे है ना डर्ट जितना भी है, मैं उसको थोड़ा हटा के मैं इसको सही कर लूँ। तो इसमें यही बोल रहा था कि आपको 8/10 का करना है, मैंने 8/11 कर दिया था गलती से, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से वापस लगा दिया। बस बस छोटा सा काम था, थोड़ा सा गलती हो गया था, तो भाई मैंने हटा के सारा ये लगा दिया, कॉबलस्टोन हटा के सारा लगा दिया वापस। तो यही आपका बेसिक काम करता है ना कि ये जितना भी 4 saplings से बड़ा पेड़ ग्रो होगा, तो फिर आपका क्या होगा ना, आप उसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद जितना भी आपका मटेरियल्स होगा ना, जैसे सैपलिंग स्टेक्स गिरता है और जो वुड आपके पास नहीं आया वो सीधा आपके नीचे चेस्ट में जाके कलेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कलेक्टिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा इसमें। तो बस क्या करना है यहाँ पे, ये जाना है, क्यों नहीं हो रहा है ये सैपलिंग, वो 4 ब्लॉक लगाया था ना, इसलिए मैंने बोला था 4 sapling भेजिए, तो 4 sapling लगा देना है। और जो कॉबलस्टोन फार्म होगा ना वो भी बहुत इजी होगा, पर वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही बनाएंगे। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तुम लोग से अगला वीडियो में, जल्दी आएगा वो वीडियो भी। सो पीस एंड आउट, बाय।